टाइगर जिंदा है को लगा है करारा झटका। रिलीज से पहले ही करोड़ों का लॉस हुआ है। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग आबू धाबी में चल रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि ये एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है जहां काफी एक्शन और स्टंट सीन्स फिल्माए गए हैं, जबकि कुछ अभी बाकी हैं। लिहाजा फिल्म के लिए कई स्टंट्समैन को इंडिया से आबू धाबी लाया जाता है। लेकिन अब ताजा खबरों की माने तो सभी स्टंटमैन वापस आने लगे हैं। आखिर क्यों? दरअसल FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज के सदस्य अपनी पगार बढ़ोतरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी स्टंटमैन भी शामिल हैं। इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए टाइगर जिंदा है कि सभी स्टंटमैन का वापसी टिकट भी बुक करा दिया गया है। ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर यश राज फिल्म्स परेशान हैं। उन्हें साफ अंदाजा है कि अगर स्टंटमैन वापस आ गए तो उन्हें करोड़ों का घाटा होने वाला है। लिहाजा यश राज फिल्म ने इनके लीडर से बात की और उन्हें काफी समझाया। काफी बातचीत के बाद ये फाइनल किया गया है कि जो स्टंटमैन बाहर हैं उन्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, वो लेटर के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। कोई शक नहीं कि इसके बाद यशराज फिल्म्स को काफी राहत मिलेगी। अब उम्मीद है कि बिना किसी परेशानी के जल्द ही पूरी होगी फिल्म टाइगर जिंदा है।